ऐसा नहीं है, ये पार्टी की रणनीति थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी लड़ना है, और उसमें हमेशा विपक्ष को चित करना ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक विशेष गुण रहा है। हिंदुत्व के एक आइकन जी, ऐसा है कि उनका एक गुण रहा है कि हमेशा विपक्ष को पछाड़ना। जब ये निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ लोगों को लड़ना है, तो कांग्रेस 6 महीने तक तो बेहोश रही, उनको समझ में नहीं आया कि क्या निर्णय ले। और इसलिए हम मानते हैं कि वरिष्ठ नेताओं का निर्णय बहुत जबरदस्त था, और उसके कारण एकदम हमको बढ़त मिल गई। उसी दिन से जिस दिन हम लोग क्लियर हुए, फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का, कांग्रेस को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं, तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता। तो जनता हमको ही पहचानती है, उनको ही पहचानती है, वो लोग गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। हमने विकास किया है और विकास के नाम पर ही हमको वोट मिल रहा है। देखिए, हम और कॉन्फिडेंस में थे 18 में, और कांग्रेस ने बहुत लुभावने वादे कर दिए थे, 999 वादे किए थे उन्होंने, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस बेनकाब हो गई, कांग्रेस के नेता बेनकाब हो गए। आपने देखा होगा कांग्रेस की सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही थी, राहुल जी और प्रियंका जी की सभा में बड़ी मुश्किल से किराए की भीड़ जुटा जुटा कर उन्होंने भीड़ करी, पर स्थानीय नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ नहीं आ रही थी। मैंने लगभग 103 विधानसभाओं में भ्रमण किया, और बड़ी बड़ी सभा है, मेरा सोशल मीडिया आप देख सकते हैं। अपने आप लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रहे हैं, और विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे यहाँ एक रणनीति बनती है प्रदेश में और देश में। इस बार देश ने यह निर्णय लिया कि सभी राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव आ जाए, और इसलिए मोदी फैक्टर तो है ही इस देश के अंदर। हम बचपन से नारे लगाते आ रहे हैं, भारत बीजेपी की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी, तो हमारी तो जो नेता रहता है वो निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शक होता है, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। और इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको, हमेशा हमने अपने नेता को फॉलो किया है और नेता का सम्मान किया है। और मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, और हमें गर्व है कि हम उनके नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। वो मुस्लिम बस्ती में चले गए भोपाल में, उनको कॉन्फिडेंस आ गया, पूरे प्रदेश में घूमने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ नहीं, तो राहुल जी की बात पे प्रदेश की जनता विश्वास ही नहीं कर रही। वो भोपाल में भी सिर्फ वो मुस्लिम बस्ती में गए, वहाँ भीड़ लग गई, तो उनको शायद गलतफहमी हो गई कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं बनती है, सरकार के लिए सेवा करना पड़ता है, जो हमने वादा किया उसको निभाना पड़ता है, और जो हमने संकल्प लिया उसको सिद्ध करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था पिछली बार, उसको सिद्ध किया है। एक एक घोषणा पत्र की बात आप देख लीजिए, हमने जनहित की निर्णय लिए हैं, और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की। धोखेबाज तो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को 4,000 भत्ता देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि जो वह महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करें उनका कर्जा माफ कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि वे सब शिक्षक जो अस्थायी उनको स्थायी कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश की सब महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, उनको भत्ता देंगे, उनको गैस की टंकी देंगे, कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूं, इसलिए मेरे पास संगठन की जवाबदारी भी है। फिर भी पार्टी जो जवाबदारी देगी उसका काम मैं